हेलो फ्रेंड्स, आज नमिका किचन में मैं आपके साथ स्प्राउट्स का चीला उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने एक हरी मिर्ची डाल दिया और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड किया। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अदरक को, बहुतों को अदरक पसंद नहीं है तो आप कम ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने थोड़ा नमक ले लिया और थोड़ा सा ज़ीरा, एक चम्मच ज़ीरा ले लिया और इसको अच्छे से एक बैटर बना लिया, अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम एक टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चावल का पाउडर, जो राइस पाउडर है वो डाला है। तो इसमें अच्छा एक बाइंडिंग आ जाएगा क्योंकि ये स्प्राउट्स है और इसमें बहुत ही अभी लाइट वेट है। ये डोसा बनने में थोड़ा इसमें मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें राइस पाउडर और थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। आप चाहे तो खाली राइस पाउडर या खाली बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए डोसा बनाते हैं इसका, या आप चीला बोल लीजिए, डोसा बोल लीजिए। तो सबसे पहले मैंने एक करछी भर कर इसमें डाल दिया तवे के ऊपर और इसको धीरे धीरे मैंने इसको फैला लिया, जितना फैलता है उतना ही फैलाइए। उसके बाद हम इसके ऊपर चारों तरफ घी या बटर दे सकते हैं, या तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके चारों तरफ थोड़ा सा देसी घी लगा दिया। अब मैं तुरंत इसको नहीं हिलाऊंगी, कम से कम 2 मिनट तक इसको कम आंच में पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद इसको धीरे से मैं एक करछे की सहायता से पलट दूंगी ताकि दूसरा हिस्सा भी पक जाए अच्छे से, क्योंकि ये दाल का है, मूंग दाल का और चने का है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब देखिए मैंने इसको पलट दिया, अब मैं उस तरफ भी इसको पकाऊंगी। अच्छे से पकाना है आपको इसको 2-3 मिनट तक उल्टा पलटी करके, और बस ये बन जाएगा। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए, शाम को लीजिए चाय के साथ। ये बहुत ही फिलिंग है, हाई इन फाइबर, हाई प्रोटीन, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो अगर आपको अच्छा लगे आप भी प्लीज़ इसको बनाइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए अब मैंने इसको एक प्लेट में डाल दिया है, सर्व कर दिया है पुदीने की चटनी और सॉस के साथ, और साथ ही साथ एक गर्मा गर्म 1 कप चाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।